नमस्कार, मैं कमर गाजी नव भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिनेश अग्रहरी जी। दिनेश अग्रहरी जी जिनका फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दिनेश जी शहर और ज़िले की अनेक हिंदी भाषी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं। आइए आज हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपसे प्रश्न है, फाउंडेशन के माध्यम से हिंदी भाषियों के बीच आप धार्मिक और सामाजिक क्या क्या कार्यक्रम करते हैं? देखिए, धर्म के प्रति, समाज के प्रति इंसान की जागरूकता होनी चाहिए, तो ऐसा हम करीब 20-25 साल से समाज के काम में सक्रिय हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में पद पे भी रहे हैं और आज भी हैं। आगे भी उम्मीदें हैं कि हम कार्य करते रहेंगे तो हमारी सफलता मिलती रहेगी। लेकिन कुछ दिन पहले, यानी कि 2-4 साल पहले, हमने ऐसा विचार आया मन में कि कुछ अच्छा कार्य करने के लिए कोई एक एनजीओ होनी चाहिए जिससे हम समाज के लिए अच्छा काम कर सकें, समाज के प्रति जुड़ाव हो लोगों को और हमारे हिंदी भाषी समाज के लोग हमसे जुड़ें। उसके साथ हमने विचार किया तो एक माँ झिनका फाउंडेशन संस्था, जो कि राजनीति से एकदम दूर है, उसका हमने स्थापना किया, जो कि बहुत बढ़िया चल रहा है। हर साल हम उसके माध्यम से समाज में कभी गरीबों में कंबल वितरण करते हैं, कभी सुंदरकांड भजन संध्या करते हैं, कभी रामायण के बारे में प्रयास करते हैं, अच्छा कार्य हो, समाज से जुड़े अनेक कार्य। और भविष्य के लिए हमारी जो प्लानिंग है, जैसे हम ये अपना हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, विद्यालय बनाना चाहते हैं, वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं, जिससे अनेक समाज के सारे लोगों को कुछ न कुछ अच्छा सुविधा हम दे सकें, ऐसे हमारे विचार हैं और इस विचार को लेकर हमने संस्था का स्थापना किया। समाज का रिस्पांस किस तरह से आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है। मैं अपने समाज का और भी सारे समाज का, महाराष्ट्र के सारे लोगों का, सबका मुझे बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है और लोग आश्वासन देते हैं कि अग्रहरी जी आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। मैं मारल जैसे गांव खेड़े में रहता हूं, यहां के सारे नेता लोग, सारे लोग, यहां के सरपंच से लेकर सभी लोग पूर्ण योगदान देते हैं कि आप अच्छा कार्य करें, हम आपके साथ हैं। दिनेश जी, आप धार्मिक सामाजिक कार्यों के साथ साथ आप भोजपुरी धार्मिक के भी गीत क्षेत्र से, गायन क्षेत्र से जुड़े हैं। जी जी। तो आपकी अनेक कैसेट एल्बम आई है, उसके संदर्भ में आप थोड़ा सा बताइए मुझे। देखिए, मेरा एक शौक था बचपन से गाने का, लेकिन कुछ स्थिति के अनुसार मैं गायकी में बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं किया, लेकिन करीब कुछ समय पहले हमने गाने का यहाँ शुरुआत किया। मैं गीत लिखता भी हूँ, गाने भी हमने लिखे, हमारे लिखे गीत लोगों ने गाया है और मैंने पहला कैसेट मेरा आया हे जीवदानी माई, जीवदानी माता के ऊपर हमने गीत लिखा और गाया भी, और उसके बाद हमारा टी सीरीज कंपनी में कैसेट रिलीज हुआ हे वैष्णो भवानी, जिसमें स्टार गायिका इंदु सोनाली जी ने साथ में गाया है और वो गीत लिखा है बड़े ही सुपर स्टार समझिए उनको, बहुत बड़े गीतकार हैं जिनका नाम है विनय बिहारी, तो उनका लिखा हुआ गीत हमने गाया है। और वो गीत उस समय जब ईमेल और वेबसाइट का ज़माना था, शुरुआत हुआ था, तब उस गीत का बोल उन्होंने लिखा था। अगर कहें तो मैं दो लाइन सुनाऊं। बोल है भोजपुरी में, माता वैष्णो देवी के ऊपर एक भक्त की अर्जी है और वो कह रहा है कि उसका भाव क्या है उसको आप समझिएगा। 24 घंटा खुलल रहे लाई वेबसाइट हो, माई में लगावा मन लाइफ हो ब्राइट हो, भक्ति कैल भाव है खेल ना होला, भक्ति कैल भाव है खेल ना होला, ए भैया इमाई के ईमेल है फेल ना होला, इमाई के ईमेल है फेल ना होला। मेरा कहने का तात्पर्य, जो गीत लिखा गया है उसका कहना यही है कि मेल वेबसाइट का ज़माना आया था और उस आधार पर कवि जी ने इस गीत को लिखा था। दिनेश जी, धर्मस्थली मैहर जी, जिनका हिंदू समाज में करोड़ों लोग आस्था रखते हैं, आप भी हर साल, पिछले साल भी आप गए थे,
काफ़ी लोग कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, उल्लासनगर के सहाड़ के गए थे, तो कैसा महसूस हुआ और आयोजन किस कहाँ तक सफल रहा उसके संदर्भ में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। हमारे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं अनिल जायसवाल जी, जिसका मैं संस्था का महासचिव हूँ। उस संस्था के माध्यम से इस साल हमारा 5वां वर्ष था, रेगुलर हम लोग गए और वहाँ पे अखंड रामायण पाठ का 24 घंटे का आयोजन होता है और उसके बाद समापन में माता का ज्योत जागरण का कार्यक्रम होता है, जो भोजपुरी के माने जाने कलाकार आते हैं वहाँ पे अपना प्रस्तुति करते हैं। माँ शारदा का एक ऐसा स्थान है कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जानते हैं कि वाणी की जो हम बोलते हैं आप बोलते हैं उसकी जो वरदान दी हुई है माँ सरस्वती, वही माँ शारदा का स्थान वहाँ पे है। उनके दर्शन के लिए 1360 सीढ़ी चढ़ के लोग ऊपर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, बड़ी ही सहानुभूति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है ऐसे जगह जाने पर। और मेरा जीवन जब तक रहेगा हम लोग इस कार्यक्रम को बंद करने वाले नहीं हैं और बहुत ही पुनीत कार्य होता है। इसी बहाने हमारे शहर से, गाँव से, महाराष्ट्र से काफ़ी लोग, करीब 400-500 लोग वहाँ पर जाते हैं दर्शन हेतु। हर साल दिसंबर महीने में ये यात्रा होती है और हम लोग बड़े ही धूमधाम से उसको मनाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं वर्षों से जी, आपका निष्ठा बांधों में नाम है जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी को लेकर? मेरा एक ही सभी लोगों से आह्वान है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज, हर जाति, हर व्यक्ति को लेकर चलती है। आज के नए युवा समाज से, नए युवाओं से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए और नरेंद्र मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं, शायद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस लेवल से इतनी अच्छी सोच को लेकर अपने देश के प्रति भाव से काम किया होगा, मुझे पता नहीं हमारी उम्र के पहले, लेकिन मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ नंबर एक पे लग रहे हैं और मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विश्वास और सब समाज को लेकर चलने वाले ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे जाके वाकई में कुछ नया करने का, इतिहास रचने का कार्य करेगा, ऐसा हमें भरोसा है। और मैं जानता हूं कि हमारे देश के सभी लोग नरेंद्र मोदी को एक विश्व लेवल का नेता मानते हैं और हम भी उनको सलूट करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और अच्छा कार्य करें। मेरे साथ थे दिनेश अग्रहरि जी, कैमरामैन सैयद के साथ मैं कमर गाजी, उल्लासनगर।